She all about the cloud, real imposter, lost her. She slid up in my DM, then I sauced her. Oops, boss up, ain't nobody like me, so don't act like you like me. Cloud, 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 real imposter, lost her. She slid up in my DM. Sorry, what is up editors, welcome back in another brand new video dude. So यार आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे गाइस आप आपके काइंड मास्टर से एकदम बेहतरीन सा शेक इफेक्ट दे सकते हो। कि यार बहुत से लोग ना यहाँ पे अलाइट मोशन यूज करते बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, सो इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें कि आप बस यार काइंड मास्टर से बेहतरीन सा शेक इफेक्ट दे सकते हो भी एकदम बीट के साथ स्विफ्ट के एंड तक जो उसे बन रहना। एंड जब आपको वीडियो पसंद आती है सो वीडियो को कर देना एक लाइक, चैनल पर नो सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को यार ऑल पे सेट कर लेना जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिल जाएगी। एंड आज की वीडियो को लाइक इन करते हैं 1001 लाइक्स का, सो जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक जरूर से कर देना। एंड जो प्रीव्यू आपने देखा था उसमें मैंने एक स्काई ग्लो इफेक्ट लगाया था, सो स्काई ग्लो जरा आपको सीखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कैसे स्काई ग्लो करना है, सो जाके आप उस वाले ट्यूटोरियल को भी चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ स्लो मोशन के ऊपर भी एक अलग सा ट्यूटोरियल था सो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड जरा आपको मेरे से बात करनी है, आपकी एडिटिंग मुझे दिखानी है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो जाओ एंड फॉलो कर लो। सो इट्स मी राजा, यू वॉचिंग टेक्निकल YouTube channel with the waste of my time. Let's begin with our today's tutorial. सो इनफर्स्ट क्या करना है आपको, सिंपली आपकी जो क्लिप होती है उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, सॉन्ग को इंपोर्ट कर लेना है। एंड उसके बाद जहाँ पे आपको शेक चाहिए वहाँ पे बुकमार्क एंड बाकी चीज़ें आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो कि यार बेसिक चीज़ है ओके, जो कि आपको पता ही है क्या क्या आपको यहाँ पे करना है, कौन सी जगह पे शेक लगाना है वहाँ पे बस आपको मार्क कर देना है। एंड उसके बाद कैसे आपको शेक लगाना है चलिए आपको बताते हैं। सो यहाँ पे आपको शेक लगाने के लिए आप क्या करना है उस वाले क्लिप को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसमें कि शेक लगाना है ओके। एंड उसके बाद क्या करना है ऊपर के साइड जो कट के ऑप्शन के बाजू में जो मिलता है हमें प्लेन एंड जूम का, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से ऐसे जूम कर लेना, इज इक्वल टू के ऊपर क्लिक नहीं करना ओके, इसको ऐसे जूम कर लेना। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आउट एनिमेशन देगा जो कि यार बहुत ज्यादा तगड़ा लगता है ओके। सो उसके बाद क्या करना है आपको फिर से लेयर में जाना है ओके। एंड जैसे आप लेयर के ऊपर क्लिक करते हो आपको इफेक्ट में जाना है, मैं आपको कुछ इफेक्ट्स बताऊंगा आपको उसको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेना ओके। सो गेट मोर के ऊपर क्लिक कर देना एंड उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे डायरेक्शन में चले जाना है। डायरेक्शन में आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे जो इफेक्ट मिलता है वेब एम वर्ब 2.0 का, आपको सिंपली उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको यहाँ पे डाउनलोड करते हो उसको आपको सिंपली आपकी वीडियो क्लिप के ऊपर अप्लाई करना है। एंड उसके बाद जितनी आपकी ये जो शेक देने वाली क्लिप है उसकी उतना आपको इसको कट कर देना ओके, कुछ इस प्रकार से। एंड उसके बाद कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे इसके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाके जो भी जो यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट बता रहा हूँ आपको बस उस मेजरमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेना ओके। Running on my guap and it's steady now. Hey, I ain't want that top and it's been a while. Hey, drown out these pills, how I'm living now. Hey, sipping on that walk and it's heavy now. Hey, running on my guap and it's steady now. Hey, I ain't want that top and it's been a while. Hey, drown out these pills, how I'm living now. सो जैसे ही आप इतनी चीज़ें कर लेते हो उसके बाद क्या करना है लेयर में जाना है। एंड लेयर में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक करना है। एंड उसमें आपको बैकग्राउंड में जाके एक वाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड कुछ इस प्रकार से इसे यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको 1 सेकंड तक रखना है। एंड उसके बाद इसको सिंपली यहाँ पे कट कर देना है कुछ इस प्रकार से। एंड जैसे ही आप इसको यहाँ पे कट कर देते हो उसके बाद ब्लेंडिंग में जाना है। एंड ब्लेंडिंग में जाके इसको सिंपली यहाँ पे ओवर लेयर कर देना है कुछ इस प्रकार से, ब्राइट लुक देगा, एक प्रकार का फ्लैश इफेक्ट देगा जो कि यार बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है ओके। एंड उसके बाद क्या करना है यहाँ पे मैंने साउंड कम कर दिया था तो यहाँ पे एक बार गाना सुन लेना है कैसे कैसे आपको यहाँ पे इफेक्ट लगाना आपको पता चल जाएगा ओके। एंड उसके बाद क्या करना है क्लिप को सिलेक्ट करना है, क्लिप को सिलेक्ट करके क्लिप ग्राफिक्स जो होता है आपको सिंपली उसमें जाना है। एंड उसमें आपको एकदम नीचे के साइड एक ट्रैवल का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जो 6 नंबर का ऑप्शन मिलता है कैम मोशन का, आपको सिंपली उसको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एनिमेशन मतलब बेहतरीन क्लिप ग्राफिक है, इसमें आपको शेक बाउंस एंड बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ओके। सो यहाँ पे आप शेक लगा सकते हो या आप यहाँ पे बाउंस लगा सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इन दोनों में से एक लगाओ कौन सा भी, या तो आप एक काम कर सकते हो स्टार्टिंग में बाउंस लगा दो उसके बाद और बार जिस टाइम पे आप शेक लगाओगे वहां पे आप यहाँ पे बाउंस लगा सकते हो कि शेक बाउंस ऐसे दो मतलब कॉम्बिनेशन कर दो बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। एंड यहाँ पे आपको वेब में थोड़ी सी और छेड़छानी करनी पड़ेगी जहाँ तक मुझे लगता है ओके, क्योंकि यार ज़्यादा ही ब्लिंक हो रहा है, ज़्यादा ही शेक कर रहा है ओके। सो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, सो इसके बाद जो जो यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ आपको उस मेजरमेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेना ओके। सो यही सेम डिट्टो मेजरमेंट कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बन जाएगा मेरे जैसा ओके। सो उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली आपकी क्लिप के ऊपर एक बार क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है। सो यहाँ पे अभी आप हमें मोशन ब्लर ऐड करना है, मोशन ब्लर जब ऐड कर दोगे ना तो पूरी जो होती है ना एकदम बढ़िया बन जाएगा। उसके बाद गेट मोर में जाना है, ब्लर में जाके आपको मोशन ब्लर मिल जाएगा कुछ यहाँ पे 2nd नंबर पे ओके। सो आपको सिंपली यहाँ पे मोशन ब्लर को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको मोशन ब्लर के ऊपर क्लिक करके इसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार का ब्लर इफेक्ट होता है। सो इसको इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर दो एंड उसके बाद इसको कुछ इतना रखो कि ज़्यादा नहीं रखना है, इसे फुल वीडियो नहीं रखना है, कुछ इतना रखना है ओके।
एंड उसके बाद क्या करना है, इसको एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे देखना है कि कैसा लुक दे रहा है। ओके, क्योंकि मोशन ब्लर जो होती है उसकी जो ओपेसिटी होती है एकदम हार्ड रहता है वो, सो उसको जरा सा सॉफ्ट करने के लिए ओपेसिटी में छेड़छानी कर दो एंड उसके स्ट्रेंथ में थोड़ी सी छेड़छानी कर दोगे तो उसके बाद आपका जो इफेक्ट होता है एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाता है। ओके, सो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को यार से ऑल पे सेट कर लेना। सो हियर टेक्निकल राजा साइनिंग ऑफ टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।